बच्चे से मिला, जयदेव नाम है उसका, सिलीगुड़ी से आया है, काफ़ी दूर से है, मुंबई से दूर से आया है, उसकी फैमिली उसके साथ में है। 2 महीने पहले उनको पता चला कि बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, उसको ब्लड कैंसर है। अब कैसा सब अपना गांव, घर, फैमिली वाले सब छोड़ के मुंबई जैसे बड़े शहर में आया है, वही इतना डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए। फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट करना, फिर कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल प्रोसीजर भी रहता है। तो अभी उसकी 2 कीमोथेरेपी सेशन कम्प्लीट हुए हैं और बाकी हैं। मैं वही देख रहा था कि हम जब ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं इन बच्चों के लिए, तो कुछ समय के लिए उनकी इतनी खुशी हो जाती है कि वो अपना दर्द, अपने सब पेन जो है, जो ट्रबल से गुजर रहे हैं, वो सब भूल जाते हैं और अपना एक एन्जॉयमेंट में जो बच्चों को करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, वो करने में बच्चे वापस बन जाते हैं। मेरी कोशिश ये रही है हर साल की इसी तरह मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, ताकि ये बच्चे एन्जॉय करें, इनको एक अच्छी फिल्म दिखाऊँ, इनको अच्छे कुछ गिफ्ट्स दूँ, स्नैक्स दूँ। आज एक्चुअली मैं जल्दी में हूँ, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, नहीं तो हम लोग पूरा एक गिफ्टिंग सेरेमनी रखते हैं जो अभी मेरे जाने के बाद होगा। सब बच्चों को गिफ्ट्स मिलेंगे, टॉयज़ मिलेंगे, हर साल हम लोग ये देते हैं। तो सारे बच्चों का जो एक एक्साइटमेंट रहता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सालों से हैं, वो लोग हर साल लुक फॉरवर्ड करते हैं। जब भी मुझे मिलते हैं कहीं भी तो बोलते हैं, भैया आपका बर्थडे कभी आ रहा है, आपके बर्थडे हम सेलिब्रेट कब करेंगे। तो एक एक्साइटमेंट रहता है। CPAA की बात करें तो किस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है CPAA? CPAA एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने कहा कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उतने सालों से ये लोग सेवा कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स की। उस ज़माने में जब मीडिया नहीं थी, उस ज़माने में जब इस तरह का प्रचार नहीं था, उस ज़माने से 40-45 साल से CPAA लगातार निस्वार्थ भाव से निरंतर सेल्फलेस सेवा करते जा रहा है। एंड जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जैसे जो मिस्टर एंड मिसेस सपुरू हैं, ये वाकई में रियल लाइफ हीरोज़ हैं। पिछले 12 साल से तो मैं ही इनका कमिटमेंट देख रहा हूँ और एक साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया है कि हमने पिछले साल सेलिब्रेट किया कि 2 लाख पेशेंट्स को पिछले 12 साल में हम लोगों ने मदद पहुँचाई है। ऐसे लोग जो बिल्कुल गरीब हालत से आते हैं, जो ऐसी सिचुएशन से आते हैं जहाँ पे उनके पास घर वगैरह गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के पैसे लेके आते हैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। तो ऐसे लोगों को जब हम मदद करते हैं, जो उनकी दुआएं लगती हैं, जो उनका एक उनके चेहरे पे जो एक खुशी के आंसू हम देखते हैं ना, वो चीज़ की दुनिया में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के साथ इनिशियली जुड़ा था एंटी टबैको का काम करने के लिए, जो हम कर रहे हैं एंटी टबैको अवेयरनेस यंगस्टर्स में, क्योंकि 20, 22, 25 साल के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको ओरल कैंसर हो गया है। हिंदुस्तान एक ऐसी, पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पे ओरल कैंसर दुनिया में सबसे हाई है। जितना नॉर्मल कैंसर है और ओरल कैंसर है, उसके डिफरेंस में, परसेंटेज में जो अंतर है, दुनिया में कोई और इस जगह नहीं है जैसा हिंदुस्तान है। क्योंकि लोग इतना तंबाकू चबाने की आदत इतने छोटेपन से हो जाती है, 11-12 साल की उम्र से, कि 20-25 साल की उम्र तक उनको माउथ कैंसर हो जाता है। तो उस काम से मैंने स्टार्ट किया। फिर जब मैं बच्चों से मिला तो मुझे इन बच्चों से प्यार हो गया और मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो पिछले 11-12 साल से हम बच्चों के लिए हर साल कुछ ना कुछ करते हैं और फोकस रहा है कि जो पीडियाट्रिक, जो बच्चे हैं जो कैंसर से गुजर रहे हैं, उनका ये दर्द हम कम कैसे करें। बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस। मैं खुद पिछले 12 साल से एम्बेसडर रहा हूं और इस दौरान जिसको भी मैंने कॉल किया है, विदाउट एक्सेप्शन, जितने लोगों को हमने कॉल किया है कि हमारे कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के फंक्शन में आएँ, हमारी हेल्प करें, हमारे सपोर्ट करें, हमेशा करना है। And especially Priyanka Chopra, she's been really wonderful and she's really been there for CPAA. Sir, thank you guys. बच्चों के साथ जो सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे की खुशी में बहुत खुशी मिलती है। बच्चों के चेहरे पे खुशी देखकर मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। This is the best way to celebrate my birthday. Thank you guys. Thank you for coming. एसोसिएशन के बारे में हर साल तो विवेक को देखते हैं, इस बार हम आपको भी देखेंगे। मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ के। मैं लास्ट ईयर भी आई थी, बात थी, मतलब नो स्मोकिंग डे का बात थी उस वक्त, और आज के कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए मैं यहाँ हूँ और बहुत मज़ा आता है। बिकॉज कोई तो है जो दुनिया में किसी के बारे में सोच रहा है, इंसानियत का परिचय देता है और किसी के दुख में शामिल होता है, तो बहुत खुशी होती है और मैं भी उसमें शामिल होना चाहती हूँ। इसलिए मैं CPAA के साथ हमेशा एंड ऑलवेज रेडी रहती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे, कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के पास, क्योंकि नॉर्मली लोग, आई थिंक बच्चे मासूम होते हैं और उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम दे पाएँ उतना अच्छा है। बिकॉज यही बच्चे हैं जो आगे जाके भारत का भविष्य बनेंगे और यही बच्चे हैं जो भारत को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो अगर बच्चों में ही बीमारियाँ रहेंगी तो हमारा देश कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम है जो CPAA इस माध्यम से उठा रहा है एंड आई एम सो थैंकफुल टू बिग सिनेमाज ऑल्सो। उन्होंने आज मूवी दिखाया है उन बच्चों को, बहुत खुशी की बात है कि उनको एंटरटेन करके उनके दुख से थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है और गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर, अवेयरनेस किस तरह से फैलानी चाहिए जनता के बीच? आई थिंक ऐसी संस्थाओं से जुड़ के और ज़्यादा हम फैला सकते हैं, बिकॉज हमें उतना नॉलेज नहीं होता जितना ये संस्थाएं इकट्ठा करती हैं। पूरे साल में वो हर जगह के बच्चों को इकट्ठा करती हैं या हर जगह की प्रॉब्लम्स को उजागर करती हैं और फिर हम तक पहुँचाती हैं। तो हम लोगों से ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम जा जाके हर जगह पता करें, क्योंकि अपने कामों में इतनी मसरूफियत रहती है। तो आई थिंक ऐसी संस्थाओं को हमें हेल्प करना चाहिए और जब भी वो बुलाएं ऑलवेज अवेलेबल रहना चाहिए। और कौन से एसोसिएशन से आप जुड़ी हुई हैं और क्या क्या है? अभी तक तो किसी और से नहीं हूँ, मैं CPAA से ही हूँ। डेफिनेटली मुझसे जो हो सकता है मैं वो करना चाहूँगी। अगर मेरे हक में कुछ भी है किसी गरीब के लिए करने का या किसी बीमार के लिए करने का, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। नंदा जी, एक अलग से सवाल है, 28 सितंबर को लता जी का बर्थडे है, आप सिंगर हैं, आप किस तरह विश करना चाहेंगे? आप जियो हज़ारों साल, साल में दिन हो 50,000, यही हमारी दुआएं रहती हैं सारे सिंगर्स की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ एवरी सिंगर। और अपनी तरफ से तहे दिल से उनको बहुत हैप्पी बर्थडे। और आशा जी का बर्थडे भी थोड़े दिन पहले गया है, उनको भी बहुत हैप्पी बर्थडे, बिकॉज आई लव हर। एक गाना लता मंगेशकर लता दीदी का गाना बेकार है, बिकॉज उनके जैसा ना कोई है, ना था, ना होगा। उनका गाना गुनगुनाना ही मतलब अपने आप में पाप है, आई थिंक, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द वन एंड ओनली। I don't think anybody should gungunao by her songs. Only she is the best.